हेलो फ्रेंड, मैं रजनी जायसवाल, मेरा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अंडा फ्राई राइस बना रही हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम आपके लिए शुरू करती हूँ। हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, हमने इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाले हैं। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। मैं इसमें लहसुन को चार कली को दरदरा कर लिए हैं, मैं इसको तेल में डाल रही हूँ। इसको एक मिनट तक चला लेती हूँ। देखिए हमारा लहसुन हो गया है। मैंने एक प्याज को बारीक चॉप करके लिए है, मैं इसको भी डाल देती हूँ। हमने चार हरी मिर्च को चॉप करके लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेसी खाना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ। हम प्याज को जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको अच्छा से पकाऊंगी। हमारा देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इधर आधा स्पून हल्दी डाल रही हूँ, इसको चला देती हूँ मैं। हमने इसमें मैगी मसाला डाल रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हमें स्पाइसी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसमें मैगी मसाला ही डाल रही हूँ। मैंने ये टमाटर को ग्राइंड किए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्राइंड करके डाले हैं। इसको मैं अच्छा से चला लेती हूँ। इसको मैं दो मिनट पकाती हूँ। हम इसमें चार अंडा लिए हैं, चार अंडा को ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं। मैं अंडा सब डाल लिए हैं, इसको अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। इसको दो से तीन मिनट में तो पकाऊंगी कि अच्छा से मेरा अंडा फ्राई हो जाए। देखिए हमारा अंडा हो गया है, मैं इसमें उबली हुई चावल ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छा से मैं चारों तरफ से मिक्स कर देती हूँ कि अंडा चावल सब मिक्स हो जाना चाहिए। मैं इसको अच्छा से चला लेती हूँ। जितना हमारा चावल भुटी है मैं उसको भी चम्मच से अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अंडा और चावल दोनों हमारा मिक्स हो गया है, अच्छा से फ्राई हो गया है। मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। अंडा फ्राई राइस बन के तैयार है। आप एक बार घर में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।